हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव स्टडीड अबाउट इट्स मीनिंग कंसेप्ट फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स लिमिटेशंस स्टूडेंट्स होता क्या है कि प्लानिंग क्या की जाती है फ्यूचरिस्टिक होती है फ्यूचर से रिलेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं तो कुछ मैनेजर्स का मानना है कि जो हमारा फ्यूचर है वो कम्प्लीटली अनसर्टेन होता है तो ऐसे अनसर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमें प्लानिंग यूज़लेस मानी जाती है कि जब हम उस टाइम को जानते ही नहीं कि उस भविष्य में होने क्या वाला है तो उससे रिलेटेड हम प्लान्स कैसे बना सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये प्लानिंग जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है तो उसी बेसिस पे हमने इंपॉर्टेंस तो स्टडी कर ली लेकिन कहाँ कहाँ प्लानिंग कमज़ोर पड़ सकती है लिमिटेशंस क्या हैं प्लानिंग की वो आज हम स्टडी करेंगे सबसे पहले बोला जा रहा है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी की प्लानिंग से क्या आती है रिजिडिटी कठोरता आती है कैसे कहते देखो प्लानिंग में क्या होता है कि हम किसके बारे में स्टडी करते हैं फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर पूरी तरीके से क्या है अनसर्टेन है तो हमें क्या करना चाहिए मतलब देखो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं तो बहुत बार चेंजेस इस अकॉर्डिंग नहीं होते जिस अकॉर्डिंग हमने क्या किए होते हैं प्लानिंग की हुई होती है तो अब उस टाइम सिचुएशन पे आने के बाद अपने प्लान्स में चेंज करना क्या हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सपोज एक कंपनी के सेल्स मैनेजर ने प्लान किया हुआ है कि वो क्या करेगा नेक्स्ट ईयर वन करोड़ की सेल्स अचीव करेगा सेल्स टारगेट तो उसके लिए उसने प्लान किया कि वो क्या करेगा कि वो कुछ कस्टमर्स को क्या करेगा मतलब कि अपने प्रोडक्ट को टेन परसेंट डिस्काउंट के ऊपर सेल करेगा कुछ रेप्यूटेड कस्टमर्स को जो उसके बिग कस्टमर्स हैं लेकिन अब उसने प्लानिंग कर ली नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग उसने सब कुछ अपना परफॉर्म कर ली एक्टिविटीज़ वगैरह डिसाइड कर ली मेंटल एक्सरसाइज कर ली कंप्लीटली लेकिन बाद में पता लगा कि उसके बिजनेस के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने मना कर दिया क्या देने के लिए डिस्काउंट उन्होंने क्या कहा कि हम बिजनेस में कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग अब उसने तो प्लान ये बना रखा था लेकिन जब एट द स्पॉट टाइम आया काम करने का तो मैनेजर ने क्या कर दिया उसको डिनाई कर दिया उसके मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके रूल्स के अगेंस्ट चला गया तो अब उस सिचुएशन में वो बंदा क्या करे तो इस टाइप की रिजिडिटी क्या करती है प्लानिंग क्रिएट करती है और इस टाइप की रिजिडिटी को बोलते हैं इंटरनल इनफ्लेक्सीबिलिटी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कुछ रीजनस की वजह से क्या हो जाती है वो इनफ्लैक्सीबल बहुत बार एक्सटर्नल इनफ्लेक्सीबिलिटी भी देखने को मिलती है एक्सटर्नल कैसे कि लेट्स मैंने एज्यूम किया कि मैं क्या करूँगी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को अपना एक कोई न्यू प्रोडक्ट है जो मार्केट में आज तक कभी नहीं आया उसको लॉन्च करूंगी लेकिन सब कुछ डिसाइड कर लिया मैंने उसके रिलेटेड हर एक चीज़ एक्टिविटी पर वो कर ली है डिसाइड कर ली है कब होगा कहाँ कैसे होगा लेकिन मुझे बाद में पता लगता है कि मेरे कंपिटिटर्स ने फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर को ही वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो अब जो मेरी प्लानिंग है मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरा काम तो इस तरीके चल रहा होगा कि एक अक्टूबर को मैं लॉन्च करूंगी लेकिन मेरे कंपिटिटर्स ने उससे पहले ही कर दिया तो वहाँ पे भी मेरी प्लानिंग से रिजिडिटी क्रिएट होगी कि मैं एक ही दम से चेंज नहीं कर सकती अपने प्लान को इस टाइप की इनफ्लेक्सिबिलिटी को एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं नेक्स्ट बोल रहे हैं प्लानिंग डजेंट वर्क इन डीनामिक इन्वायरमेंट हमें पता है हमारा इन्वायरमेंट क्या है डिनामिक एवर चेंजिंग है लेकिन कुछ हद तक स्टेबल भी है कि चेंजेस ये नहीं है बहुत फास्ट मूविंग स्पीड से हो रहे हैं तो वो क्या कह रहा है कि प्लानिंग आपकी एक ऐसे इन्वायरमेंट में तो हेल्पफुल है जहाँ थोड़ा स्टेबिलिटी है इन्वायरमेंट की लेकिन चेंजिंग एन्वायरमेंट में प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं है हमारा इन्वायरमेंट क्या होता रहता है चेंज होता रहता है चेंजिंग अब हो सकता है मान लो मैंने एक हफ़्ते का प्लान बना दिया और एक हफ्ते के बाद कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज होगी है आज के बाद तो क्या होगा उस सिचुएशन में मेरी प्लानिंग बिल्कुल भी सक्सेसफुल रिजल्ट्स मुझे नहीं देगी वही उसने कहा कि हो सकता है किसी कंपनी ने ये जूम किया कि हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी मुझे एक टाइप का स्पेशल रॉ मटेरियल चाहिए जो मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है किसी भी स्पेसिफिक कंट्री से तो उसका इंपोर्ट फ्री ऑफ टैक्सेस कर देगी लेकिन एवर चेंजिंग एन्वायरमेंट को देखते हुए लगता है कि मतलब हुआ एट द स्पोर्ट क्या किया कि गवर्नमेंट ने तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए उसके इम्पोर्ट में तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि वो प्लानिंग कोई भी सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं ला पाई नेक्स्ट है प्लानिंग रेड्यूस क्रिएटिविटी कहते प्लानिंग में क्या होता है हम सारा काम सोच पहले लेते और फिर उसके बाद उस काम पे क्या करते हैं एक्ट करते हैं लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मुझे कोई काम करने का आइडिया आज नहीं मिल रहा हो सकता है मुझे जब मैं उस काम को करूँ तब मिल जाए तो उस टाइप की क्रिएटिविटी को क्या करता है रेड्यूस करता है कि पहले क्या होता है प्लानिंग में हम सबको डिसाइड करके दे देते हैं आपको कब कहाँ क्या काम करना है लेकिन उसके बाद जब हम काम करते हैं तो उस टाइम जो आइडियाज़ आते हैं उस आइडियाज़ को वो क्या करता है कर् कर देता है मतलब कि उस आइडियाज़ को हम उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले प्री डिसाइड कर रखा है कि हमें क्या करना है तो उस सिचुएशन के लिए क्या करते हैं प्लानिंग वहाँ पे क्रिएटिविटी को रिड्यूज़ करती है नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट प्लानिंग में क्या होता है एक मेंटल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज क्या होती है काफ़ी ज़्यादा टिपिकल मतलब आपकी प्लानिंग किसके ऊपर बेस्ड है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की इन्वायरमेंट की स्टडी से तो इन सब में क्या होती है बहुत सारी कॉस्ट क्या होती है इन्वॉल्व होती है नेक्स्ट प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियस ही बात है आपको प्लान बनाना है तो प्लान कोई इजिली तो बनता नहीं है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है काफ़ी लेंथी प्रोसीजर आप बहुत सारे प्लान्स बनाओगे उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन वगैरह के लिए अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो मतलब प्लानिंग में आप पास्ट की स्टडी करो फ्यूचर की स्टडी करो प्रेजेंट की भी स्टडी करो एंड देन प्लान्स को डिसाइड करो तो वो काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है बहुत बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम प्लान बनाते रह जाते हैं और जो सिचुएशन होती है वो हमारे हाथों से निकल जाती है बहुत बार होता है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं प्लान बनाते रह जाते हैं कि मैं ट्वेल्थ में 95, 98, 99 परसेंट लाने हैं और उसके लिए वो प्लान बनाते हैं मैं ऐसे पढ़ूँगा ऐसे पढ़ूंगा और वो क्या होता है पूरा ईयर निकल जाता है और एंड तक उनके प्लान ही नहीं बन पाते तो वो चीज़ भी प्लानिंग में कहीं कही ना कहीं उसकी लिमिटेशन है नेक्स्ट है प्लानिंग डजेंट गारंटी सक्सेस आपने प्लान्स बनाए और प्लान्स बहुत अच्छे बनाए तो भी आपको सक्सेस मिलने कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्लान्स अच्छे नहीं होने चाहिए उन प्लान्स के ऊपर एक्शन भी काफ़ी अच्छे से होना चाहिए आपने प्लान किया कि मैं छः घंटे रोज पढ़ूंगा लेकिन आप पढ़े नहीं तो आपकी सक्सेस वहाँ पे नहीं मिल सकती अच्छी प्लानिंग और उसके साथ साथ अच्छा उसके ऊपर एक्शन रिक्वायर्ड है सक्सेस होने के लिए अदरवाइज आपको क्या मिलेंगे फेलियर्स ही मिलेंगे तो सिर्फ प्लानिंग में सक्सेस नहीं मिलती उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन करोगे तभी आपको क्या मिलती है एफर्ट्स करोगे तो सक्सेस मिलती है तो हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि प्लानिंग कहीं ना कहीं क्या लिमिटेशंस है प्लानिंग की लेकिन उसके बावजूद भी प्लानिंग हमारे बिजनेस के लिए क्या काफ़ी अच्छी है रिक्वायर्ड है अगर हम ढंग से प्रॉपर मैनर में पास्ट को स्टडी करें प्रेजेंट को स्टडी करें फ्यूचर को स्टडी करें बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करें तो हम बहुत अच्छे प्लान्स वगैरह बना सकते हैं और उन प्लान्स के ऊपर अगर हम बहुत अच्छे से एक्शन करें तो हम सक्सेस को भी गारंटेड अचीव कर सकते हैं इट इज़ जस्ट कि हमें क्या करना है जो भी प्लानिंग के रास्ते के हर्डल्स हैं उनको कम करने की कोशिश करनी है और अपने बेस्ट एफर्ट्स करें तो प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा गारंटेड सक्सेसफुली साबित हो सकती है ओके okay, स्टूडेंट्स Thank you.